ज्योति स्कूल पहुंचा कमिश्नर द्वारा गठित दल। हमने भी बात की कुछ पीड़ित शिक्षिकाओं से, मानवीयता को तार तार करने वाली बात आई सामने। ऐसे में कौन भेजेगा अपने बच्चों को स्कूल? रीवा शहर का सबसे चर्चित स्कूल ज्योति स्कूल है। यहाँ पर दाखिले के लिए आम आदमी सोच ही नहीं सकता। इसका सीधा सा अर्थ है बड़े लोगों का बड़ा स्कूल। शायद इसी के चलते यहाँ के प्राचार्य अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। जब यहाँ पर पढ़ाने वाली महिला टीचरों को उनसे असुविधा होने लगी तो उन्होंने इसकी शिकायत कई जगह पर कर दी। इसी की जांच करने कमिश्नर रीवा डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने आंगनबाड़ी की ज्वाइंट डायरेक्टर को निर्देशित किया, जिसके चलते ज्वाइंट डायरेक्टर आंगनबाड़ी ज्योति स्कूल पहुंची। उन्होंने वहां पर शिकायतकर्ता टीचरों से बात की। इस बारे में हमने कुछ टीचरों से बात की थी, आपको सुनाते हैं उन टीचरों का क्या कहना था। इन महिला टीचरों की बात सुनकर लगता है फादर में संवेदना नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। जैसे मैंने स्कूल ज्वाइन किया था 2014 में और 2019 तक, मार्च 2019 तक मैंने यहाँ पे जॉब की है। 18 मार्च को इन्होंने मुझे बुलाया है और सीधे इन्होंने मुझे ये बोला कि 30 मार्च से आप मत आइएगा। तो मैंने इनसे रीज़न पूछा कि मैं क्यों नहीं आऊँ स्कूल, तो उन्होंने कहा कि हम आपको निकाल रहे हैं। तो मैंने कहा कि फादर बिना नोटिस के आप कैसे निकाल सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस कोई नोटिस नहीं दी जाएगी आपको और आप 30 मार्च से मत आइएगा। तो मैंने कहा सर रीज़न तो बता दीजिए मुझे कि कारण क्या है, मैं यहाँ 5 साल की एम्प्लॉई हूँ, ऐसा नहीं कि एक-दो साल मैंने काम किया हो, 5 साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला आज तक, मुझे कभी कोई रीज़न नहीं दिया गया कि आपका काम खराब है या कुछ भी है, तो अचानक से कैसे? तो उनका वर्ड ये था, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अब आप मुझे बताइए कि मैं यहाँ बच्चों को सेटिस्फाइड करने आती हूँ कि मैनेजमेंट को और प्रिंसिपल को? दूसरी चीज़, मेरा डीएलएड का एग्ज़ाम था 15 और 16 तारीख को मार्च में, इन्होंने बोला कि नहीं देने जाना है और ये सबको प्रताड़ित करते हैं इस चीज़ के लिए सबको कि नहीं आप ये एग्ज़ाम नहीं देंगे, आपका पीएचडी है तो आप नहीं देने जाएंगे। इन्होंने मुझे मना किया, जब सारे टीचरों ने जिद किया तो इन्होंने मुझे बोला कि आई विल थ्रो आउट। और 17 को संडे था, मैं 18 को स्कूल गई हूँ, तो इन्होंने सीधे मुझे बोला कि आप 30 के बाद मत आइएगा स्कूल। एक्चुअली मेरा जो है 9 मंथ का प्रेगनेंसी था और उस दौरान मैंने फादर से अप्लीकेशन दिया कि फादर मुझे मैटरनिटी लीव चाहिए। जब तक मैं फादर के पास अप्लीकेशन के लिए कई बार गई, फादर नहीं मिले, कभी कभी बाहर चले गए या कभी किसी बहाने से नहीं मिले। लास्ट टाइम जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने एप्लीकेशन मेरा सीधे फेंक दिया और मुझे ये बोल दिया गया कि आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द स्कूल। देन मैंने अपनी कंप्लेन जो है संकुल में की और ऑनलाइन भी मैंने अपनी एप्लीकेशन दे दी। उनको औरतों का अगर कोई पर्सनल इश्यू है तो वो उनको कहते हैं हमें आके सब बताओ। अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको उन्हें बताना है कि हम प्रेग्नेंट होने वाली हूँ, पहले जाकर उनको कहते हैं प्रायर नोटिस दो कि तुम क्या होने वाली हो, तुमको क्या तकलीफ़ होने वाली है। हम 9 मंथ का मेरी प्रेगनेंसी थी, मैं चेयर के लिए मांगने उनसे गई कि हमको चेयर दे दीजिए, उनने मना कर दिया। 3 घंटे की ड्यूटी, 6 घंटे की ड्यूटी खड़े खड़े किया, ऐसे मेरे बच्चे का ऑर्गन डैमेज हो गया, बेटियाँ पैदा हुई और वो मर गई, उसकी डेथ हो गई। और मैंने इस पर, और फिर मेरी जो 4-5 साल की मेरी सर्विस थी उसको उनने न्यू कर दिया, मुझे रीज्वाइनिंग न्यू करा दी, मेरी 4 साल की सीनियरिटी चली गई। कहते हैं कि दोबारा ज्वाइन करेंगे, कहते दोबारा ज्वाइन करेंगे और मेरी गर्मी की सैलरी जॉब छोड़ दीजिए, हमसे पूछ के बच्चा क्यों नहीं पैदा किया। लेडीज़ को भी प्रॉब्लम, अभी रिसेंट की है, एक तारीख की घटना थी, एप्लीकेशन दिया था उसमें 8 टीचर को पेशी किया था, आप फुटेज देख सकते हैं जिसमें बोला था, मुझे टीचर्स ने पूछा था कि व्हाट अवर मेंसेस प्रॉब्लम, बोली वो तो आपको शेयर करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, प्रूफ देना पड़ेगा। अरे उसके लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं कि हमको उसके लिए जाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या है? उनको हम पैड दिखाने जाएंगे कि एप्लीकेशन में पंच करके उनको देंगे हम, वो है क्या? इस तरीके से तरह तरह के प्रताड़ना है हमने की है, तो बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ रहती हैं कि हम इन सब चीज़ों को सहते हुए आगे नौकरी कंटिन्यू करें। बट अगर ये सहने के बावजूद वो पानी ऊपर जा रहा है तो ये तकलीफ की बात होती है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमानवीय व्यवहार रहता है, इवन अगर आप एक टीचर को आते जाते मुस्कुरा दे रहे हैं तो वो भी उनकी बहुत बड़ी तकलीफ है। और वो अक्सर बुला के ये पूछा करते हैं कि क्या आपसे मैनेजमेंट सेटिस्फाइड है, और अगर हमने जवाब दिया कि सर मैनेजमेंट का क्या सेटिस्फैक्शन चाहिए आपको, क्योंकि बच्चे तो सेटिस्फाई है, आप जाके बच्चों से पूछिए, अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो वो उनका अनसेटिस्फैक्शन जो मैं दूर करूँगी, पर मैनेजमेंट का अनसेटिस्फैक्शन मुझे नहीं समझ में आता। उन्होंने कई बार ये चीज़ें पूछी हैं कि मैनेजमेंट अनसेटिस्फाइड है आपसे, आपको क्या लग रहा है, और ऐसी चीज़ें पूछते हैं। और अक्सर इवन अगर आप किसी भी पर्सनल वुमेन प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी समस्या है आपको,
तो वो ना तो सिस्टर डेजी सॉल्व कर सकती है ना कोई और सिस्टर, उसके लिए डायरेक्ट फादर के पास भेजा जाता है और फादर कई तरीके के उठपटांग सवाल करके हमें वहाँ पे लज्जित होने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन जैसे कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है वहाँ, और जो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है उनको लेके भी बहुत किया जाता है कि आपको इस समय स्कूल आना ही पड़ेगा, ऐसा है वैसा है। बाकी अभी जैसा कि इसके पहले फादर का ये एक और केस हो चुका है ज्योति स्कूल का, बच्ची के साथ वाला, तो बाकी इनका रवैया बहुत गलत रहा है टीचर्स के प्रति, और ये कहते हैं कि हमें सेटिस्फाइड करो, बच्चों से हमें लेना देना कुछ नहीं है, ना ये बच्चों से कभी पूछते हैं, इनको सेटिस्फैक्शन चाहिए है कि हम सेटिस्फाइड हो। फादर कहते हैं कि मुझे सेटिस्फाइड करो। जब पूछा गया कि सर आप क्यों निकाल रहे हैं, क्या दिक्कत है, तो फादर मार्टिन वीसी ने कहा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इसलिए मैं आपको निकाल रहा हूँ। मार्टिन वीसी निहायत ही क्रूर और अमानवीय कृत्य करने वाला इंसान है। वहाँ लगभग 60% महिलाएं गायनिक प्रॉब्लम से पीड़ित हैं सिर्फ इसकी यातनाओं की वजह से। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, पानी न पीने देना। हमारी एक महिला सहयोगी जिसको कि माहवारी का समय था और प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से पूरी ज़मीन खराब हो गई थी, वाइस प्रिंसिपल के कमरे में खड़ी वो रोती रही, चीखती रही कि मुझे घर जाने दिया जाए। और उसके बाद सिस्टर ने कहा कि आप जा करके मार्टिन वीसी को बताइए, अब वो सबूत चाहते हैं। उसने कहा मुझे घर जाने की अनुमति दी जाए, मैं कपड़े बदल करके आ जाऊं, तो उसको जाने नहीं दिया गया। काम करने हम जाते हैं वहां पर, हर तरह की यातना सहते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। वहीं जब इस बारे में कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव से इस बारे में हमने बात की तो उन्होंने कहा स्कूल के खिलाफ कुछ शिकायत मिली थी जिसकी जांच कराने के लिए एक दल गठित किया गया है, उस जांच के बाद ही जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास एक शिकायत आई थी और उस शिकायत की जांच के संबंध में जो जॉइंट डायरेक्टर महिला बाल विकास हैं उनको मैंने नियुक्त किया है, वो जांच कर रही हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद उस पर जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी।